हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे यूपी आंगनबाड़ी जो आपकी भर्ती ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ है, इसमें आपका जो है नियुक्ति कैसे होने वाली है, इसमें आपको कैसे नियुक्ति मिलेगी और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कैसे होगा और कब से स्टार्ट होगा, इत्यादि सारी जानकारियां आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और संपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को मिलेंगी। जैसा कि यूपी आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर जो विज्ञप्तियाँ जारी की गई थी आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञप्ति, लास्ट डेट अयोध्या के लिए 5/5/2024 थी और इसी तरीके सीतापुर के लिए 26 अप्रैल, बिजनौर के लिए 25 अप्रैल और बदायूं, मिर्जापुर, तमाम सारे यहाँ पर जिले दिए गए हैं जहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई थी और उनके लिए आवेदन किए गए थे। अब आज हम बात करेंगे कि कैसे जो है नियुक्ति होगी और आपका जो है नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग सबसे पहले यहाँ पर कि अभिलेखों का जो सत्यापन होगा वो नियुक्ति पत्र के समय कैसे किया जाएगा। इसमें दिया गया है कि एक परियोजना के चयनित समस्त अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का अवलोकन चयन समिति के एक सदस्य जिला कार्यक्रम अधिकारी व संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा। नंबर दूसरा जो बताया गया है इसमें कि सब कुछ सही होने पर नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी के अनुमोदन उपरांत अनिवार्यतः आगामी 15 कार्य दिवस के अंदर नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे और यदि किसी अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र में कोई भिन्नता या संदेह की स्थिति पाई जाती है तो वस्तु स्थिति में जिलाधिकारी को पत्रावली पर विवरण सहित अवगत कराया जाएगा और उसके बाद प्रमाण पत्र का सत्यापन कराकर निर्णय लिया जाएगा। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमियां आएंगी तो जिलाधिकारी को अवगत कराया जाएगा, जो निर्णय लिया जाएगा उसकी जानकारी दी जाएगी। जब आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे लिखा है कि 15 दिन के अंदर, बताया गया है कि 15 कार्य दिवस के अंदर नियुक्ति पत्र जो है निर्गत किए जाएंगे। नियुक्ति में बताया गया है कि चयन समिति द्वारा संस्तुत की गई चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिलाधिकारी के अनुमोदनों उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। नियुक्ति तैनाती आदेश में स्वीकृत केंद्र के मूल स्थान, मूल स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य होगा, अर्थात एक ग्राम सभा वार्ड में कई केंद्र सृजित हैं तो केंद्रों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय के वरीयता क्रम में रखा जाएगा। और ये भी बताया गया है कि नियुक्ति पत्र में आंगनवाड़ी केंद्र का 11 डिजिट कोड नंबर सहित केंद्र का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। आंगनवाड़ी सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद पर चयन किए जाने की स्थिति में नियुक्ति पत्र में आंगनवाड़ी केंद्र का 11 डिजिट कोड नंबर सहित चयन शब्द का भी उल्लेख किया जाएगा। रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ साथ वरीयता क्रम में द्वितीय स्थान पर आने वाले अभ्यर्थियों की सूची भी तैयार की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी के योगदान न करने पर वरीयता क्रमानुसार द्वितीय का चयन उक्त सूची के अनुसार जिलाधिकारी के अनुमोदनों उपरांत किया जाएगा। रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा योगदान करने के उपरांत भविष्य में उक्त केंद्र के रिक्त होने पर वरीयता सूची पर अंकित नाम मान नहीं होगा। वरीयता क्रम सूची नियुक्ति पत्र निर्गत तिथि के 3 माह 90 दिन तक मान होंगे। यहाँ पर बताया गया कि तत्पश्चात उक्त पदों पर पुनः विज्ञापित प्रकाशित किया जाना आवश्यक होगा। तो ये नियम और कानून बताए गए हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप मेंटेन रखें, जो भी डिटेल्स आपने फॉर्म भरते समय भरी हैं वही आपको जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो दिखाने होंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह जाती है तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। और इसकी मेरिट लिस्ट जो है इसमें बताया गया कि कार्यक्रम जो इसका चल रहा है नियुक्ति का, तो इसमें नियुक्ति प्रक्रिया भी जो है अभी तो रोकी गई थी, आचार संहिता के कारण नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हुई जिसके कारण इसको रोका गया और इसमें विलंब हो रहा है। अब इसमें आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जल्द ही आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।